बहुत समय हो चुका है जब हम मिले और लाइव क्यू एन ए किया। आई थिंक काफी महीने हो चुके हैं। मैं बहुत रेगुलरली रील्स वगैरह तो अपलोड करती हूँ, कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी आदतों में बदलाव आए और अपने हेल्थ के गोल को आप अचीव कर सके। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी लाइव फॉर सम टाइम। अगर कोई भी सवाल है आपको हेल्थ के रिलेटेड, फिटनेस, इमोशंस के रिलेटेड, तो जरूर पूछिए मुझे यहाँ पर। आई विल आंसर दैट लाइव। आई कैन सी चैताली कुमावत, इट्स अतिल, माई सेल्फ सुरेश एंड शोभा, हितेश, मार्क, गैरी, रिकी, आई कैन सी सो मैनी पीपल एंड आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच पीपल हु आर सेइंग हेलो एंड हाउ आर यू, आई एम डूइंग वंडरफुल। ओके, टिल द टाइम आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं यहां पर, आई वुड लव टू इन्फॉर्म समथिंग। अगर आप में से कोई ऐसे हैं कि जो मेरी तरह हेल्थ कोच बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम फुल टाइम एज अ हेल्थ कोच काम करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं और साथ में करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज दिस संडे 16th of October मैं एक वेबिनार लेने वाली हूं, हेल्थ कोच वेबिनार। शाम को 4:30 बजे होगा, 4:30 से 7 शाम को रविवार को, वो मिस ना कीजिएगा। दैट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। कितनी वैल्यू है उसकी? हजारों की वैल्यू, पर वो प्रोग्राम आपके लिए एब्सोल्यूटली फ्री में होने वाला है। यस, सो जस्ट बिकॉज कमिटेड लोग मैं चाहती हूं, इसीलिए प्रोग्राम फ्री है। बट जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको 999 रुपीज पे करने हैं टोकन। जब आप प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे उसके बाद वो पूरा रिफंड आपको कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, बट कमिटमेंट चाहिए, इसीलिए ये टोकन देना है और फिर वापस रिफंड करना है। बट साथ में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो क्या करना, hcwebinar.shivangidesai.com इस पर जाइए। hcwebinar हेल्थ कोच का शॉर्ट फॉर्म, hcwebinar.shivangidesai.com यू कैन रजिस्टर योर सीट। इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, बट फ्री है इसलिए लिमिटेड लोगों के लिए ही है। सो लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। ओके, प्रेम ने पहला क्वेश्चन पूछा है, अनेबल टू प्लेस ऑर्डर ऑफ योर प्रोटीन पाउडर। ओके, मे बी वो आउट ऑफ स्टॉक होगा या कोई नेटवर्क में इश्यू होगा, फिर से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। ऑल राइट, लेट मी शिवानी बता रहे हैं, मैम नेक्स्ट डेट कौन सी होगी हेल्थ कोच वेबिनार की? 16th को इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई एम रियली सॉरी शिवानी, दिस इज द लास्ट, मे बी ये साल का लास्ट वेबिनार होगा हेल्थ कोच का। नेक्स्ट ईयर भी आई एम नॉट श्योर मैं कब ले पाऊंगी या नहीं, यू नो, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको कोई कमिटमेंट दे सकूं। बट मेक श्योर कि इस बार अगर आप कोई मीटिंग को पोस्टपोन कर सके, ऐसा कुछ अगर हो सके, देन दैट विल बी ग्रेट। एटलीस्ट रजिस्टर फॉर इट राइट नाउ। अगर यू नो अटेंड कर लेते हैं ग्रेट, इफ नॉट तो रिफंड तो आप ले ही सकते हैं बाद में, बट एटलीस्ट यू विल फाइंड अ वे आउट। मैम इफ आई एम फैट देन कैन आई टेक पर्सनल ट्रेनिंग? 8D रुद्र ने पूछा है, आर यू टॉकिंग अबाउट पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब हेल्थ कोच का? इफ येस देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, एब्सोल्यूटली येस। और यू नो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट है, आप की उम्र क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आपका बॉडी परफेक्ट है नहीं है, आपकी लाइफ परफेक्ट है नहीं है, डज नॉट मैटर। अगर हेल्थ कोच बनना है, इच्छा है, तो आप जरूर उसमें आ सकते हैं। ओके, टमी टक के लिए एडवाइस पूछ रहे हैं। तृप्स ट्विटी इज आस्किंग, सो आई गेस आपका नाम तृप्ति ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप टमी टक यानी कि बेली फैट कम करके फ्लैट बेली की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले तो टोटली फ्लैट बेली हो ऐसी इच्छा ना रखिएगा, बिकॉज इट इज नॉट हेल्दी। ओके, उसमें आपको शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे। बट हाँ, बेली फैट को कम करने के लिए, एक्सेस जो है फैट उसको कम करने के लिए, कपल ऑफ थिंग्स आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर वन इज एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट का कार्डियो आप जरूर कर सकते हैं, स्लो मीडियम हाई इंटेंसिटी आपके अभी के लेवल के मुताबिक। डिनर के बाद जरूर वॉक को ऐड कर दीजिए, वो एक पावरफुल तरीका है बेली फैट को कम करने का। डिनर लाइट लीजिए, बहुत हैवी डिनर नहीं, और हो सके तो 12 घंटे 14 घंटे का फास्ट, यानी कि रात को अगर आपने 6, 7 या 8 बजे के आसपास अगर डिनर लिया है, तो मे बी ब्रेकफास्ट आप 10 बजे या ऐसा कुछ ले सकते हैं, ताकि वो रात के समय में आपका बॉडी जो है एलिमिनेशन जोन में होगा, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम कि जब आप उसको रेस्ट दें तो फैट लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ चीजें हैं जो करने से आपको रिजल्ट मिल सकता है। आई एम डूइंग अमेजिंग मनोज, एंड मुझे माइग्रेन बहुत होता है। सौरभ जैन इज आस्किंग, सो माइग्रेन के लिए नंबर वन रीजन इज ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते रहना, बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस रहना, उसकी वजह से
दिमाग बोल रहा है कि स्लो डाउन, रिलैक्स, और वो आपको हेडेक देता है, माइग्रेन देता है. सो उसके लिए ओवरथिंकिंग से दूर हो जाइए. नंबर टू इज, जितना आप एसिडिक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या जो जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है ऐसा खाते हैं, उतना ज्यादा माइग्रेन बढ़ता है क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन है. सो आप हो सके उतना उससे दूर रहिएगा. ओके, लेट मी सी. प्रेम, आपने कुछ मेल किया है बट आपको रिप्लाई नहीं मिला. आई एम रियली सॉरी प्रेम, बट बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सबको रिप्लाई दे सके. सो इनकेस आपको रिप्लाई नहीं मिलता है कभी कभी, द बेस्ट आइडिया इज मेरी टीम को आप कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए. गाइज, आस्क मी अ स्पेसिफिक यू नो प्रॉब्लम और क्वेश्चन. आप जितना स्पेसिफिक पूछेंगे उतना मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे पाऊंगी. शोभा इज आस्किंग, डू यू हैव अ वेट लॉस प्रोग्राम? येस आई डू हैव वेट लॉस मेड इजी, मेरा एक प्रोग्राम रहता है. बट फ्यूचर में कब होगा उसकी अभी डेट्स अवेलेबल तो नहीं है. मे बी बी इन टच, जब भी होगा तो आपको हम इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे बता देंगे. श्वेता इज आस्किंग, आफ्टर 30 स्किन केयर एंड हेल्थ केयर? बहुत बड़ा सवाल है और उसके लिए टाइम चाहिए, बट मैं अगर छोटी छोटी टिप्स दूं तो 30 के बाद स्किन केयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि हमारा यू नो स्किन जो है वो और खराब होना इन अ वे शुरू हो जाता है, एजिंग शुरू हो जाता है. तो उसको रोकने के लिए नंबर वन इज डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. जब मिरर में देखते हैं डोंट सी द डार्क सर्कल, पिंपल, एक्ने, स्पॉट्स वगैरह ना देखिए. ये देखिए कितना अच्छा चेहरा है, जो अच्छे फीचर्स है उसको देखिए. वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद आता है कि आप थोड़ा बहुत केयर जरूर करना, जैसे कि आप यू नो मॉइस्चराइजर एक अच्छा यूज करना. जैसे मैं खुद सिटाफिल डैम करके एक लोशन आता है, अकॉर्डिंग टू मी वो ज्यादातर स्किन में बहुत अच्छे से जाता है. मॉइस्चराइजर इज इम्पॉर्टेंट जब स्पेशली यू नो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जहां वी कांट अवॉइड सम केमिकल्स हमारे आसपास. सो उसमें सिटाफिल डैम लोशन जो है वो मुझे बहुत हेल्प करता है. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर एंड एट द सेम टाइम हैविंग राइट डाइट एंड एक्सरसाइजिंग. सी, डाइट की जब बात आती है तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे जो भी आप खाते हैं उसमें मिनरल्स और वाइटामिन भर भर के हैं एंड दे आर असेंशियल फॉर गुड स्किन. और उसके साथ एक्सरसाइज. When you exercise, skin का cell turnover जो होता है that is around 28 days, 4 weeks, but 30 के बाद वो cell turnover का rate कम हो जाता है. तो उसको accelerate करने के लिए exercise is the best way. Okay. How much sugar intake can we have in a day or shall we avoid 100%? Good question. अभिनित पुरी is asking. So अभिनित, अगर शुगर की हम बात करें तो हमें टोटालिटी में देखना है. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि शुगर को 100% कट डाउन कर दो. अब बहुत डिपेंड करता है कि क्या आपकी बाकी सारी आदतें भी खराब है. अगर बाकी, जैसे आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और आप यू नो बाकी खाना जो है वो भी रूटीन में हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो फिर शुगर को 100% अवॉइड करना आपको रिजल्ट देगा. बट अगर आप बाकी सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत शुगर हियर एंड देयर इज एब्सोल्युटली ओके. अकॉर्डिंग टू मी अगर आप बाकी सब फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी 1 टेबल स्पून जितना तो शुगर एब्सोल्युटली इजीली ले सकता है, इवन अप टू 2 टीस्पून जितना भी शुगर वो इजीली ले सकेगा. मैं एक्सटर्नल शुगर जो हम डालते हैं चाय कॉफी वगैरह में, बाकी सारी चीजों में, उसकी मैं बात कर रही हूं. बट एज आई सेड कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान 100% शुगर अपने डाइट में से रिमूव कर दे तो वो कंप्लीटली हेल्दी हो जाएगा, और कोई इंसान की जो हर रोज 2 चम्मच खाता है वो कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता है. ऐसा नहीं होता. सब कुछ हमें होलिस्टिकली फॉलो करना है. ओके, तो आपसे हो सके उतना एडिशनल शुगर जो एक्स्ट्रा हम डालते हैं उसे थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना अवॉइड करें और बाकी सारी चीजों को भी फॉलो करें. आर्थराइटिस के लिए कोई टिप्स? हर्षित जोशी बता रहे हैं, आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जितना हो सके उतना आप खाइए, जिसमें कैप्सिकम इज गुड, टमेटो, पपाया, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, साइट्रस फ्रूट्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो आप जरूर अपने डाइट में ऐड कर दीजिए. वो इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में हेल्प करेंगे. रेगुलरली एक्सरसाइज जरूर कीजिए. आर्थराइटिस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. विटामिन डी, B12 भी चेक कीजिए. अगर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, आई गेस आपके डॉक्टर अगर कोई है तो उन्होंने बताया ही होगा. डी, B12 एंड कैल्शियम तीनों को चेक कीजिए. कम है जो होगा शायद, तो उसके सप्लीमेंट रेगुलरली लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फोर्टी इयर्स
बाद क्या ध्यान रखना चाहिए. ओके, भरत लालवानी इज आस्किंग, 40 साल के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए. वैसे तो आपकी उम्र कुछ भी हो, ध्यान तो रखना ही चाहिए, बट 40 के बाद एक स्पेसिफिक आपका टारगेट होना चाहिए, दैट इज मसल रिटेंशन. यानी हमारा जो बॉडी है वो मसल और फैट जो है उसे बेसिकली, मेरा हाथ अगर देखेंगे तो हड्डी के आसपास क्या है, मसल और फैट. जब उम्र होती है तो फैट बढ़ता है, मसल डाउन होता है, और जितना मसल ड्रॉप होता है उतनी बीमारियां जल्दी आती है. तो आपका 40 के बाद एक गोल होना चाहिए, मसल रिटेंशन. जितने मसल है वो लूज ना आप कर दो, और उसके लिए वेट ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको रेगुलरली वेट ट्रेनिंग मेक श्योर करती हूँ कि वो करें, क्योंकि 40 के बाद ही मसल सारे जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं. सो मसल रिटेंशन. परमेश्वरी आई लव यू टू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू हरेश, यूजिंग मल्टीवाइटामिन टेबलेट्स एंड प्रोटीन इट्स ऑसम, थैंक यू सो मच अमिता. D87 रियली मीन्स अ लॉट. अगर आप RHN के प्रोटीन मल्टीवाइटामिन कुछ भी यूज कर रहे हैं, डू सेंड अस द फीडबैक. और मैंने आपको जैसे बताया है 10 लकी विनर्स को हम सप्लीमेंट्स गिफ्ट करने वाले हैं, एंड वी विल अनाउंस दैट टुमारो. प्रोटीन कैसे लेना है, अनु 26, अगर आप प्रोटीन शेक की बात कर रहे हैं तो कैसे लेना है, आप 200 ml जितना पानी लीजिए, उसमें 1 scoop प्रोटीन शेक डाल, प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए और उसे शेक करके फिर आप उसे पी सकते हैं. कब पीना है, यू कैन हैव इट मे बी वर्कआउट अगर करते हैं तो वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर. अगर वर्कआउट करते ही नहीं है तो फिर आप कभी भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्नैक टाइम में ले सकते हैं, 11 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या लंच या डिनर के बीच में, या उसके अलावा आप डिनर के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट. सो रिमेम्बर, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट. आपको डायट में से तो प्रोटीन लेना ही है, उसमें से जो पूरा नहीं हो रहा वो हम शेक में से लेते हैं. डू यू गिव पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टा प्रिंस क्रिश? येस आई डू, बट अभी स्लॉट सारे बुक्ड है, सो अनफॉर्चुनेटली यू नो विल हैव टू वेट. ओके, माई वेट इज 92 kilo, 42 year old, एंड माई टमी बिलो, सो विच एक्सरसाइज आर यू सेइंग? कि आपका टमी बहुत ज्यादा है और वेट बहुत ज्यादा है, कैसे कम करना और 42 एज है? इफ येस, तो कौन सी डायट और एक्सरसाइज करनी? सो दैट्स अगेन अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आंसर लंबा है, बट मैं अभी अगर शॉर्ट में बताऊं तो वेट ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोई गाइडेंस से, जैसे मेरे कोचेज हैं जो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं. सो जो लोग मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का पूछ रहे हैं, मेरे स्लॉट्स तो बुक्ड है, बट आप मेरे कोचेज जो एक्सरसाइज आपको करवाते हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली इंक्वायर अबाउट मेरी टीम को कॉन्टेक्ट करके. बट 3 महीने का टारगेट रखिए, उसमें स्पेसिफिक कोई, मे बी अगर कोई जिम ज्वाइन करके पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं, या तो आपके घर पे कोई करवा के, या तो ऑनलाइन आप अगर यू नो सेशंस ले सके वेट ट्रेनिंग के, तो स्टार्ट विद दैट, बिकॉज वो एक्सरसाइज से ही आपका जो ओवरऑल बॉडी है, मेटाबॉलिज्म से लेकर आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है व्हेन यू डू दैट. सो आई वुड प्रायोरिटाइज फॉर यू वेट ट्रेनिंग. थैंक यू सो मच सुशील. हाइट कितने साल तक बढ़ती है? ओके आशीष, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आशीष 1204, हाइट नॉर्मली जो है वो यू नो वो जेनेटिक्स से ही आती है. सो आपके मम्मी पापा की जो एवरेज हाइट है उसके हिसाब से आपकी हाइट डिपेंडेंट होती है, और उसमें भी आप मैक्सिमम तक रीच कर सकते हैं. सो लेट्स से 5 feet हाइट है आपके मम्मी की ऐसे, और आप मम्मी पे गए हैं और उनकी हाइट आने वाली है, तो आप 5'2", 5'3", इवन 5'4" तक भी जा सकते हैं. सो जीन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. और कौन सी उम्र तक बढ़ती है, देन इट वुड बी अराउंड, लेट्स से कोई मेल और फीमेल के लिए अगेन डिफरेंट होगा, बट इट वुड बी अराउंड मे बी यू कैन ट्राई टिल 16, कुछ लोग 18. ओके, आई एम वन फूड वीडियो ऑफ फूड इज मेडिसिन, बट आई एम नॉट गेटिंग ऑन यूट्यूब, इट्स नॉट देयर ऑन यूट्यूब. वर्षा मे बी ट्राई लाइफ गुरुकुल एप्लीकेशन, जो फ्री एप्लीकेशन है, वहां पर शायद आपको मिलेगा. ओके, SD स्किल एजुकेशन बोल रहे हैं कि मुझे हेल्थ कोच वेबिनार जो इस संडे को है 16 अक्टूबर को, वो आपको ज्वाइन करना है, बट आपके पास 999 रुपीज नहीं है. अनफॉर्चुनेटली SD स्किल एजुकेशन
बहुत मुश्किल होगा कि उसके बिना हम आपको एनरोल कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप वो नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा इफ यू आर कमिटेड और नॉट, राइट? सो आपके अंदर अगर कमिटमेंट है, मुझे पता है कि आप कहीं से तो मैनेज कर लेंगे, इट्स नॉट ए ह्यूज अमाउंट, इन एनी वे आप उसको वापस पा सकते हैं. आई हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वॉट शुड आई डू? खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है. ओके, सो ध शुक्ला 2319, आई रियली अंडरस्टैंड. IBS में काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बट सी, मैं आपको कोई जनरल रूल तो नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज IBS, मैंने मेरा जितना एक्सपीरियंस है IBS के साथ, उसमें अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग सिम्टम और उनको अलग चीजें सूट करती है बॉडी को. बट अभी के लिए क्या करना, बेस्ट आइडिया IBS के लिए जो होता है, दैट इज कि आप एक फूड डायरी बनाए. आप लिखिए कि क्या खाने से क्या हुआ, क्या खाने से कैसा फील हुआ. उससे आपको ये पता चलेगा कि बायो इंडिविजुअलिटी, यानी आपके बॉडी को कैसा खाना सूट करता है. वो डायरी से ही आपको पता चलेगा कि यार लास्ट टाइम मैंने टमाटर खाया था ना, उसकी वजह से मुझे ये हुआ था. इस बार भी टमाटर खाया, ये हुआ, दैट मीन्स टमाटर डज नॉट सूट मी. ओके, सो वैसे लिस्ट बनाइए, फूड डायरी बनाइए. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. होपफुली वेरी सून मैं ट्राई करूंगी IBS के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बना सकूं. ओके, अकी शाह जो बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, कि आप मुझे बता रहे हैं कि जो लड्डू है उसमें कैलोरीज वगैरह उस पर फोकस कर रहे हैं. माई फोकस इज नेवर ऑन कैलोरीज, माई फोकस इज ऑलवेज कि कैलोरी के सामने न्यूट्रिशन कितना मिला. एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि जब आप दो लड्डू खाते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट, उसमें मैंने घी भी डाला है बिकॉज इट इज असेंशियल, ड्राई फ्रूट, घी और जितने भी मिलेट्स वगैरह जो भी है, जैसे रागी मैंने डाला है, अलग अलग किस्म की दाल, इसमें से मैक्सिमम ऐसी चीजें हैं विच आर रिच इन कैलोरीज, बट एट द सेम टाइम दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सो मैंने आपको फूड एज मेडिसिन में भी एक कोट, एक इक्वेशन दिया था, हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट अपॉन कैलोरीज. इसका मतलब क्या हुआ, कैलोरी के सामने न्यूट्रिशन भर भर के होना चाहिए. एंड नट्स एंड सीड्स एंड जो भी चीजें मैंने डाली है, घी वगैरह, सब कुछ इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सो फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज वन रीजन कि जब वो लड्डू खाते ना, आपका पेट भी भरता है और आप जंक भी नहीं खाएंगे, और आपको जो बाकी सब ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो भी लोगों को नहीं होता है. दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. एंड एनी वे माई फोकस इज नेवर वेट लॉस, माई फोकस इज हेल्थ. जब हेल्थ अच्छी रहती है ना, तो एक्सेस फैट तो वैसे भी जाने वाला है. ओके ओके, हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करना, राकेश? हाइट को बढ़ाने के लिए अगर एक सर्टन उम्र नहीं हुई है और आपका अभी भी है चांस कि हाइट बढ़ सकती है, देन यू कैन ट्राई पुलअप्स. पुलअप्स आर अमेजिंग फॉर मेकिंग श्योर कि आप अपनी ऑप्टिमम हाइट को पकड़ सके, ताड़ासन और पुलअप्स. थाइज में फैट को लॉस कैसे करें, बंसु पटेल 14. थाइज का फैट अलग से अगर उसकी एक्सरसाइज करें और लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता. स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. फुल बॉडी में से फैट रिडक्शन होता है और इनडायरेक्टली थाइज में से भी फैट जाएगा. सो क्या करें, रेगुलर 5 days a week कार्डियो करें और एटलीस्ट 2 to 3 days वेट ट्रेनिंग करें, जिसमें आप गाइडेंस से आपका जो लेवल है उसके मुताबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. और एक्सरसाइजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप वॉक नहीं करते तो स्टार्ट विद दैट. अगर वॉक करते हैं तो जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, ऐसा कोई कार्डियो कर सकते हैं. जुम्बा एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम में जाके कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, इतने सारे फॉर्म है. जस्ट ट्राई एंड डू वॉट यू लव टू डू. थैंक यू सो मच भूषण, थैंक यू. ग्रे हेयर के लिए रेमेडीज, दे लव समीक्षा, सॉरी. सो आई थिंक आपका नाम समीक्षा है. सो समीक्षा, ग्रे हेयर, आई ऑल्सो हैव ग्रे हेयर. ग्रे हेयर की रेमेडी ये है कि ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं, उसको आप वापस ब्लैक करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है. सो वॉट यू कैन डू इज कि आप ग्रेइंग को थोड़ा स्टॉप या डीले कर सकते हैं. ओके, और ज्यादा जो ग्रेइंग होने वाला है उसको आप डीले जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. आई ट्राइड दैट अलॉट. नंबर वन रीजन ग्रेइंग का जो है, दैट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस 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 की वजह से सबसे ज्यादा ग्रे होता है आपके बाल. जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपके मम्मी को अगर था, पापा को था, तो आपको जल्दी ग्रे हेयर हो जाएगा. उनको जो उम्र में हुआ था, ऑलमोस्ट उसके आसपास की उम्र में आपको होगा,
उसको हम रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है अनलेस आप बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो राइट. और हेल्दी लाइफस्टाइल जब फॉलो करते हैं जिसमें यू नो रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट अच्छा लेना वगैरह आ जाता है, व्हेन यू डू दैट तो वो डीले होना जो मैं बता रही हूँ, ग्रेइंग का डीले होना वो शुरू हो जाता है. मतलब जो आज होने वाला था वो मे बी कुछ सालों के बाद होगा. सो स्ट्रेस ना लीजिए. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपका जो पानी का क्वालिटी है जिसमें आप बाल धोते हैं, वो पानी का क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर बहुत ज्यादा TDS हाई है और बहुत यू नो हार्श पानी आ रहा है, देन ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड अ वाटर सॉफ्टनर या कोई तरीके से अगर पानी अच्छी क्वालिटी का आ सके, देन नथिंग लाइक इट. तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो जाएगा. ओके. कॉन्स्टिपेशन पे मेरा पूरा वीडियो है गीता वलेचा, बट कॉन्स्टिपेशन में डिटेल में यूट्यूब पे जाइए, शिवांगी देसाई कॉन्स्टिपेशन लिखिए, यू विल फाइंड सम वीडियोस. बट अगर आपको मैं एक दो चीजें बताऊं तो नंबर वन, हैव इनफ वाटर एंड वाटर रिच फूड. सिर्फ पानी नहीं बट पानी से भरी हुई चीजें भी आप रेगुलरली खाइए, जिसमें आप यू नो पपाया, एप्पल या यू नो मे बी जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इंक्लूडिंग ऑरेंज वगैरह जो आपको ऑलमोस्ट हर सीजन में मिल जाएगा, वो सब कुछ आप खा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलरली, जिसमें पानी अच्छी क्वालिटी में है. दूसरा, फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइबर किस में होगा? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में अगेन होगा. सो फाइबर वाली चीजें खाइए, ऐसी ना खाइए जो बहुत प्रोसेस्ड है और सिर्फ उसमें कचरा ही है, कैलोरी ही है, जैसे चिप्स है, खाखरा है और यू नो नमकीन है, अलग अलग चीजें. तो वो कम से कम खाइए और फाइबर रिच फूड ज्यादा खाइए. ओके. विशाल इज आस्किंग माय कोलोन पेन्स समटाइम्स आफ्टर ईटिंग, हाउ डू आई डील विथ इट? विशाल, यू हैव टू मीट अ डॉक्टर. ओके, कोई भी अच्छे डॉक्टर से आप एक बार मिलिए एंड मे बी थोड़ा डायग्नोसिस कीजिए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन. और इसमें कोई क्लिनिकल इश्यू हो सकता है, इसीलिए आप डॉक्टर से डायग्नोसिस लीजिए और फिर जो डॉक्टर बताए वही फॉलो कीजिए. उसके बाद वो जो गाइड करे कि डाइट में ये ध्यान रखना है, उसके बाद आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशन कोच वगैरह हायर कर सकते हैं, बट मीट विथ अ डॉक्टर, डू नॉट डिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू. How to get proper sleep? Jay Soni, the life coach, is asking. Proper sleep के लिए melatonin important है, time पे release हो. अभी मैं US trip पे थी, डेढ़ महीना almost सवा महीना जितना, and my sleep was completely different. मतलब कि वहां पर साइकिल चेंज होता है, टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो जब मैं यहां पर वापस आई तो फॉर वन डे आई हैड अ चैलेंज एंड आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ स्लीप. बट मेलेटोनिन टाइम पे रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जब आप सोते हैं उसके एक घंटे पहले कुछ चीजों का ख्याल रखें, जैसे मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहिए, क्योंकि उससे आपकी आपकी जो आंखें हैं उसको लगता है दिन है और वो दिन के हार्मोन रिलीज करता है. सो आधे एक घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन वगैरह ऑफ कर दीजिए. टेक अ वार्म शावर, रीड अ फिजिकल बुक या टेक अ वॉक, लाइट वॉक इन द नेचर. ये सारी चीजें आपको माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी. मैंने एक रील डाली थी बॉक्स ब्रीथिंग के ऊपर, वो देखिए, वो आपको स्लीप में हेल्प करती है. स्ट्रेस रिलीफ मेरा एक सप्लीमेंट है RHN का, दैट हेल्प्स अ लॉट इन स्लीपिंग वेल. मैंने 3 दिन उसका यूज किया था लास्ट जब मैं US से वापस आई तब, क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग टू यू नो दैट नॉर्मल सर्कैडियन रिदम मेरा जो है वो वापस नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन. और मैंने स्टोरी भी डाली थी दैट आई यूज RHN का स्ट्रेस रिलीफ. सो इन केस आपको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह से नींद आ ही नहीं रही है, तो वो एक सपोर्ट आपको मिल जाता है अच्छी नींद पाने के लिए. एंड ओके, आई थिंक नीज आर सम वेरी, देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट आई डोंट वॉन्ट टू ओवरवेलम यू. हीत कुमार, क्यूट स्माइल, थैंक यू सो मच. आस्था ज्योति, थैंक यू सो मच. ओके, पीपल वर आस्किंग फॉर हेल्थ कोच का लिंक. इट इज hcwebinar.shivangidesai.com, hcwebinar.shivangidesai.com, हेल्थ कोच वेबिनार जो इस संडे को है, इस संडे को 16 अक्टूबर को है, 16th of October शाम को 4:30 to 7 PM. इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रोग्राम, बहुत मजा आने वाला है. एंड यू नो वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, कैसे सक्सेसफुली हेल्थ कोच बन सकते हैं आप. अब मेरे ही कुछ सीक्रेट्स मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर ना किए हो ऐसे सीक्रेट. सो या इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग.
हील में पेन का कोई सोल्यूशन बताइए. ओके, हील का पेन जो है दीपा कौर, इसीलिए होता है क्योंकि एक तो वजन ज्यादा मे बी होगा, वजन ज्यादा होने की वजह से या प्रेगनेंसी या स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से भी होता है, या आपका सलोन का काम है और आप पूरा दिन खड़े रहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. बट हील में पहला, अगर वजन ज्यादा है कम कीजिए, वो परमानेंट एक सोल्यूशन है. दूसरा, आप है ना, दो तीन एक्सरसाइज कीजिए सुबह उठे उसके बाद या तो रात को सोने से पहले, जो भी संभव है. 90 डिग्री लेग रेस कीजिए. इसका मतलब क्या हुआ? लेग्स अप द वॉल. आप जैसे यहां पर वॉल दिख रही है, यहां पर आप पैर रखेंगे, आप नीचे सो जाएंगे, नीचे पैर यहां पर रखेंगे. सो लेट्स से दिस इज योर होल बॉडी और ये पैर है आपके, ठीक है, दीज आर द हिप्स, ये पैर है एंड दिस इज योर अपर बॉडी. और इस तरह से आप पैर को ऊपर रखते हुए फॉर अ फ्यू मिनट्स, जितना हो सके, जितना आप कर सके, 1 मिनट 2 मिनट या जितना भी, उतना लेग को रखिए ऊपर. ओके, सो दैट विल हेल्प रिलीव द पेन टू अ ग्रेट लेवल. दूसरा, साइकिलिंग कीजिए इस तरह से. ओके, डू मे बी 20 counts 3 rounds. एंग्जाइटी कैसे ठीक कर सकते हैं प्लीज बताइए मार्क समीर. स्ट्रेस रिलीफ आप सप्लीमेंट ले सकते हैं RHN का. और दूसरा, एंग्जाइटी को सही में अगर दूर करना है तो स्टार्ट मेडिटेशन, स्टार्ट यू नो बीइंग इन टच विथ नेचर, बी इन टच विथ नेचर. आप जितना हो सके उतना नेचर के करीब रहिए अगर संभव है तो. जैसे नेचर में वॉक लेना, सनसेट या सनराइज देखना, या बर्ड्स को देखना, या पौधे पेड़ वगैरह को ऑब्जर्व करना, मूनलाइट को देखना. अभी शरद पूर्णिमा गई तो यू नो मूनलाइट में वॉक करना, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपके एंग्जाइटी को दूर करने में हेल्प करता है. और साथ में आप में भी लिख सकते हैं, लिखना इज ऑल्सो अ थेरेपी. सो रात को सोने से पहले ये लिख सकते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, आप कैसा फील कर रहे हैं वगैरह वगैरह. बेसिकली राइट डाउन योर फीलिंग्स. चेताली कुमावत इज आस्किंग प्लीज आंसर कि गुड़ की चाय, गुड़ की चाय से क्या वेट बढ़ता है? उससे ना वेट बढ़ता है, ना वो खराब है, ना वो अच्छा है. बट अगर आप लेते हैं तो इट इज ओके, जस्ट एंजॉय. वंस अ डे इज एब्सोल्यूटली ओके, बट खाली वेट ना लीजिए. कोई नाश्ता करके फिर 10-15-20 मिनट के बाद अगर हैवी नाश्ता किया है तो मे बी आधा घंटा वेट कीजिए, फिर उसके बाद वो लीजिए. उससे कुछ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. सिर्फ वो एडिक्शन नहीं बनना चाहिए कोई भी चीज. ओके, मुझे ग्रीन टी स्पेसिफिकली, इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है. आई लव ग्रीन टी, बहुत बहुत पसंद है. बट वो मेरा एडिक्शन अगर बन जाए ना तो वो बुरी चीज है. मतलब अगर मैं वो ना लूं और मेरी एनर्जी ना रहे और मुझे हेडेक हो जाए और मेरा दिन ही शुरू ना हो, वो गलत है. आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ग्रीन टी. ग्रीन टी शुड जस्ट मेक मी हैप्पी एंड इफ आई एम नॉट हैविंग आई शुड बी ओके. तो अगर आपकी आदत बन चुकी है तो चेंज करना पड़ेगा. अगर वो आदत नहीं है बट आपको सिर्फ खुशी देता है, देन हैव इट, नो प्रॉब्लम. गुड़ डालिए, शुगर डालिए, बट शुगर अच्छी क्वालिटी का डालिए, नो प्रॉब्लम. बोथ आर ओके. वेट गेन करने के लिए सुशील कुमार, आपको क्या करना है वेट गेन करने के लिए? वेट ट्रेनिंग पहले तो कीजिए, कार्डियो कम कीजिए, वेट ट्रेनिंग ज्यादा कीजिए. वेट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप मसल बिल्ड करते हैं. क्यों? क्योंकि वेट गेन में फैट भी गेन होता है, मसल भी गेन होता है. आपको क्या करना है? फैट नहीं गेन करना है, मसल को गेन करना है. और उसके लिए वेट ट्रेनिंग जरूरी है और दूसरा प्रोटीन जरूरी है. तो डाइट में रेगुलरली प्रोटीन भी ऐड कीजिए और साथ में प्रोटीन शेक, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि 1 किलो के सामने 1 ग्राम प्रोटीन जरूरी है नॉर्मल इंसान को. वेट गेन करना है तो 1 किलो के सामने 1.5 ग्राम प्रोटीन जरूरी है, जो खाने में से नहीं मिल सकता है इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम प्रोटीन शेक, विच इज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन शेक, वो आप ले. इफ यू हैव नॉट ट्राइड, मेक श्योर कि आप RHN ट्राई करें प्रोटीन शेक. नॉर्मली जो लोगों को ब्लोटिंग वगैरह होता है वो सब नहीं होता है RHN प्रोटीन से, क्योंकि हमने बहुत सारा ऐसा फॉर्मुलेशन जैसे डाइजेजाइन ब्लेंड डाला है, उसमें प्रोबायोटिक ब्लेंड डाला है. सो दैट हेल्प्स अ लॉट इन डाइजेशन. फेस योगा प्रोग्राम अमिता, अभी मेरा नहीं है, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर अनफॉर्चुनेटली. मेरी बेटी बहुत बीमार हो जाती है, क्या करूं? शालू बंसल इज आस्किंग. शालू जी, आप क्या करें, अपनी बेटी अगर बहुत छोटी है उसका ब्लड रिपोर्ट निकलवा के चेक कीजिए कहां पर कमी है, कहां यू नो डॉक्टर की सलाह से अगर कोई सप्लीमेंट की जरूरत है तो वो दीजिए. खाना खाए वो जरा देखिए कि उसको जो अच्छा लगता है. डोंट वरी, उसको
अगर अनहेल्दी भी अच्छा लगता है खाए, इस उम्र में छोटा जब बच्चा होता है उसको खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अच्छा लगे, जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव दैट, एंड देन जो उम्र है उसके मुताबिक अगेन डॉक्टर को पूछ के जो जो डाइट में चेंजेस ज़रूरी है वो करवाइए। ओके हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम ओवर थिंकिंग अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके मुखर्जी आर्ट, अनु STUP मुखर्जी आर्ट इज आस्किंग। ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने दो वीडियोज बनाए हैं यूट्यूब पे, आप जरूर देख सकते हैं। एक है ओवर थिंकिंग से क्या हेल्थ चैलेंज आते हैं और दूसरा ओवर थिंकिंग से दूर होने के 10 रास्ते मैंने बताए हैं। उसमें से एक रास्ता लेट मी टेल यू एंड दैट इज स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जब करते हैं तो ओवरथिंकिंग होता ही है। हमारा ब्रेन बना है एक काम पे, एक समय पे एक चीज करने के लिए। जब आप बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आप मुझे देख भी रहे हैं, आप अपने दूसरे लैपटॉप में कुछ काम भी कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी संभाल रहे हैं, किचन में कुछ कुक भी कर रहे हैं, तो इतना सब करेंगे ना तो ओवरथिंकिंग नेचुरली होगा, राइट? तो मल्टीटास्किंग से सिंगल टास्किंग पे आ जाइए, उससे काफी ओवरथिंकिंग कम होगा। दूसरा आप है ना, जस्ट मेक श्योर कि जब किल द मॉन्स्टर व्हेन इट इज अ बेबी, इसका मतलब कि कोई छोटी बात को जब आप बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं ना, छोटी जब है तभी उसको मार दीजिए। बी अवेयर कि हाँ मैंने ये सोचना आप शुरू किया है, आई नीड टू स्टॉप, और तुरंत अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए जो आपको खुशी दे। एनी कॉन्टेक्ट नंबर फॉर इंक्वायरी? ओके वीनू वारकर 9904004545 and 9904004545 and 9904004546, ये मेरे ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर में से कुछ है, वहां पर आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। एंड HC वेबिनार लिंक है, hcwebinar.shivangidesai.com। हेल्थ कोच जो बनना चाहते हैं उनके लिए वो लिंक है। कब है वो प्रोग्राम? इस संडे को है, 16 अक्टूबर को शाम को 4:30 to 7:00। परफेक्ट स्लीप कैसे ले? मैंने दो तीन चीजें अर्पिता बताई है अभी, आई थिंक आप ही ने पूछा था मुझे। सो स्लीप के लिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई है ऑलरेडी, और कुछ और एडवांस जानना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ स्लीप, तो मैंने स्लीप स्मार्टर करके एक प्रोग्राम लाइफ गुरुकुल पर बनाया है, दैट यू कैन चेक। कैन आई यूज एक्सपायर्ड वे प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन्स? नेवर रोहित, नहीं। I am 20 and my hair has started falling. What can I do? Please suggest me something. Abhishek is asking. अगर 20 की साल में हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑफकोर्स हार्मोनल इम्बेलेंस तो है एक वजह, दूसरा स्ट्रेस इज अ मेजर रीजन। सो ट्राई टू कट डाउन ऑन स्ट्रेस, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स एंड जस्ट टेक इट ईजी, यू नो, टेक इट ईजी, एन्जॉय, गो विद द फ्लो। इससे बेहतर एक्चुअली दवाई नहीं है हेयर फॉल के लिए, ओके? और जो दूसरा है दैट इज जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप डाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बहुत एक्सेसिव अनहेल्दी खाते हैं तो थोड़ा हेल्दी ईटिंग की ओर आ जाए, सैलेड फ्रूट्स वगैरह वगैरह, और मे बी यू कैन ट्राई डिटॉक्स समटाइम जब पॉसिबल हो, तब डिटॉक्स जरूर ट्राई कीजिए, उससे हेयर फॉल काफी कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें भर भर के माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हेयर जो रूट है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। शुड वी ईट मल्टीग्रेन आटा और प्लेन वीट? मल्टीग्रेन अवॉइड कीजिए, मल्टीग्रेन इज ओके वंस इन अ वाइल। वीट मैं नॉर्मली लोगों को मना करती हूँ, कुछ ही लोगों को वो सूट करता है, बट उसके बदले आप जवार, जौ, रागी वगैरह वगैरह जो है, मिलेट्स वगैरह वो आप जरूर ले सकते हैं, सिंगल ग्रेन और सिंगल मिलेट। PCOS को क्या सर्जरी के बिना रिमूव किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है, क्यों नहीं। मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बी योर ओन डॉक्टर वर्कशॉप के बाद रिवर्स किया है। व्हेनेवर यू नो राशि सानवरिया, जब भी मौका मिले जरूर कीजिए। गुड इवनिंग शिवांगी, योर हेल्थ टिप्स आर ऑलवेज गुड, योर एंथुजियास्टिक। थैंक यू सो मच यशवंत, मीन्स अ लॉट।
मैम ऑयल पुलिंग ब्रश करने के पहले करे या बाद में? हमेशा पहले करे, पहले 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 ऑयल पुलिंग को ब्रश करने के पहले करना है 5 मिनट एटलीस्ट। मसल ग्रोइंग का बताओ मैम, क्या बताऊं 24 फिट सनी राज, मसल ग्रोइंग का क्या बताऊं मैं? बहुत सारी चीजें होती है बट मसल ग्रोथ के बारे में एक चीज, वेट ट्रेनिंग और प्रोटीन, ये दो से मसल गेन होता है। अनु इज आस्किंग प्रोटीन को किसके साथ लेना, दही के साथ लेना या किसके साथ लेना? मैं नॉर्मली वाटर के साथ ही रेकमेंड करती हूँ, पानी के साथ। कुछ लोगों को जिनको मिल्क सूट करता है तो गुड क्वालिटी A2 या ऑर्गेनिक मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। मैम आपने कौन सा लोशन बताया? मॉइस्चराइजर निमा हेयर, इट इज सिटाफिल CETAPHIL, सिटाफिल डैम लोशन DAM। ओके आई सी सम सिमिलर क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ। ड्रैगन फ्रूट इज गुड फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, यू कैन हैव इट पूजा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके नी जॉइंट में पेन है तो क्या करे? SP Nikita 1941, इफ यू हैव नी पेन और जॉइंट पेन, वी विटामिन D3 एंड B12 एंड कैल्शियम, ये तीनों चेक करवाइए। कम अगर है तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। ऑल्सो यू कैन ट्राई टेकिंग मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन शेक। साथ में अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए, जो मैं इन्फ्लेमेटरी डाइट, इन्फ्लेमेशन जो बढ़ाए, ऐसा डाइट अगर आप ले रहे हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स वगैरह ज्यादातर अल्कलाइन चीजें आती है, वो आपको हेल्प करेगी। और एक्सरसाइज में नी पेन अगर है तो नी के आसपास के मसल को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस करवाइए, यू नो अपने डॉक्टर से पूछिए, फिजियोथेरापिस्ट आई मीन, उनको पूछिए, या आप जिम के ट्रेनर को भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। थाइज आपके यानी क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, इनर थाई, आउटर थाई और काफ को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस करनी है। एश गार्ड जूस ले सकते हैं, यस सुबह लेना है सुबह उठने के बाद, या तो बिटवीन लंच एंड डिनर भी ले सकते हैं शाम को। ओके एम्ब्रॉयडरी आर्ट 2021 इज आस्किंग विच राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट वुड यू सजेस्ट, आई एम अ वीगन, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ओवरऑल हेल्थ। मैं वीगनिज्म को बहुत प्रमोट नहीं करती हूँ, मैंने वीगन एक साल से भी ज्यादा फॉलो किया हुआ है। ऑनेस्टली मैं, कुछ लोगों को डेफिनेटली वो सूट करेगा बट इट इज ओनली फॉर सम पीपल, नॉट फॉर ऑल, ठीक है? तो मैं आपको जाने बिना नहीं बता पाऊंगी कि आपके लिए वीगन सही या नहीं है, बट इफ यू हैव चोजन कि नहीं आपको वीगन ही रहना है, देन आई रिस्पेक्ट दैट। उस केस में आपको प्रोटीन शेक नहीं चलेगा बिकॉज इट इज अ यू नो डेयरी प्रोडक्ट, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मल्टीविटामिन आप जरूर ले सकते हैं, आप बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ऑल ऑफ देम है, जैसे सुपर ग्रीन्स है वो आप डेफिनेटली लीजिए, सुपर ग्रीन्स इज 100% वीगन, तो वो ले सकते हैं, मल्टी ले सकते हैं आप, बाकी सारे जितने भी है, जैसे स्ट्रेस रिलीफ है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन टेक। Let me see. 16 अक्टूबर सेमिनार के बारे में, ओके फिर आपने सवाल लिखा नहीं है। देन एडिट्स क्रिएशन 16 अक्टूबर को हेल्थ कोच प्रोग्राम है, हेल्थ कोच वेबिनार है, ओके 4:30 से 7 शाम को hcwebinar.shivangidesai.com पे आपको डिटेल्स मिलेगा। ऑलराइट, वॉट डू यू सजेस्ट फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऑलवेज मेक श्योर हैव सम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ ब्रेकफास्ट के पहले आप पहले फ्रूट लीजिए। सो लेट्स से कि आपने सुबह सुपर ग्रीन्स लिया, फिर उसके आधे घंटे एक घंटे के बाद आप फ्रूट ले सकते हैं, और फ्रूट के मे बी कुछ समय के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, और उसमें आप प्रोटीन रिच जैसे कि चीला ले लिया दाल का, या आपने इडली डोसा ऐसी कोई चीज ले ली जिसमें अगेन दाल होती है,
वो सारी चीजें आप ले सकते हैं. सो प्रोटीन रिच इज एब्सोल्युटली ओके. इफ यू आर एन एगिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, एग्स आर अ गुड ऑप्शन फॉर श्योर. इज देर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ सप्लीमेंट्स इन रूटीन लाइफ? डॉक्टर राज वेद, साइड इफेक्ट्स आपके सप्लीमेंट्स की तब होती है जब आप गलत क्वालिटी के, पुअर क्वालिटी के लेते हैं और ओवर यूज करते हैं. सो जब आप जरूरी नहीं है और आप लेते हैं, या आप यू नो खराब क्वालिटी के जस्ट बिकॉज वो सस्ता है और ले लिया, तो उसमें पुअर इंग्रेडिएंट की वजह से वो साइड इफेक्ट आ सकते हैं. सिर्फ ये दो केसेस में साइड इफेक्ट होते हैं. डिवाइन के प्रोटीन लड्डू वॉज डिलीशियस. थैंक यू सो मच सैफ अमन, आई वुड लव टू नो. जरूर हमें पर्सनल मैसेज करके बताते रहिएगा कि आपको डिवाइन स्वीट के लड्डू और RHN के सप्लीमेंट्स के बाद क्या फील हो रहा है, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस अ लॉट. हमारी टीम खुश हो जाती है जब आप सेंड करते हैं. विनर्स मैं कल 10 अनाउंस करने वाली हूं, जितने लोगों ने हमें फीडबैक दिया है RHN के लिए. और साथ में डोंट फर्गेट 16th of October रविवार है, शाम को 4:30 से 7 में आपको मिलने वाली हूं, जहां आपके सारे हेल्थ कोच अगर आपको बनना है उसके सवाल के जवाब आपको उसमें मिलेंगे. एंड यू विल गेट सम अमेजिंग सीक्रेट्स, मेरे लाइफ के सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेंगे कि हेल्थ कोच कैसे बना जाता है और उसका क्या फ्यूचर है. अगर आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट है, जिम के ट्रेनर है, या आप अभी कुछ नहीं करते बट सोच रहे हैं कि कुछ करना है, अपना आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, देन मेक श्योर अटेंड करें उसे. हेल्थ कोच वेबिनार 16 अक्टूबर संडे को शाम को 4:30 से 7. कैसे रजिस्टर करना? hcwebinar.shivangidesai.com पर जाके कर सकते हैं. 999 का टोकन देना है. प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो वो पूरा 999 आपको वापस कर दिया जाएगा, कुछ भी काटा नहीं जाएगा. दैट मीन्स इट इज एब्सोल्यूटली फ्री. थैंक यू सो मच. कीप यू नो शावरिंग योर लव, कीप सपोर्टिंग एंड मेक श्योर कि आप फिट भारत मिशन को अगर अब तक फॉलो नहीं किया है, दिस इज द टाइम यू शुड डू दैट. मुझे बताते रहिएगा कि क्या क्या आप और सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, एंड आई मेक श्योर मैं अपना 100% नहीं 1000% दूं ताकि आपको हेल्प मिल सके अपने हेल्थ को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, बिकॉज रिमेंबर हेल्थ है तो सब सब है. थैंक यू सो मच, सी यू सून.